ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਤਨੇਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੈ ਨਰੇਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੈਥ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ करीब एक रमन कुमार नाम की एज 55 ईयर सी इतने एडमिशन हुई थी उन्होंने मेडिसिटी हॉस्पिटल ड्यू टू वह कहते हैं कि 2 दिन तो उन्होंने खांसी आ रही है चेस्ट की प्रॉब्लम इस करके इतने एडमिशन हुई थी वो घंटा डेढ़ घंटा पहला इन्हों की वो डैथ हो गई है तो जेडे इन वार से सन इन ला ही उन्होंने हॉस्पिटल एमरजेंसी जिते दाखिल से वह मुक्का मार के शीशा तोड़िया उन्होंने एलीगेशन है कि साढ़े डॉक्टर ने दौरा पाया तो जी ये जिन्हों का पेशेंट सगा रमन कुमार इन्ह की यह पाया कि कहते डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया इस करके डैथ हुई इस करके गुस्से च आए इतने मैटर होया नहीं जाँच इनिशियल लैवल से तो कुछ नहीं अजे हो क्योंकि ये ट्रीटमेंट बारे तो जो डॉक्टर ने उही दस सकते हैं सिविल सर्जन दस सकता सरकारी हॉस्पिटल वाले दस सकते हैं बाकी जाँच अं जो इन्होंने मुक्का मारिया जैसे बदतमीजी एक दूजे हुई है उस तरीके की उसकी जाँच करने हाँ ये डॉक्टर साहब ने ही गल कर रहे हैं जो नोडल अफसर ने उन्होंने भी कॉन्टैक्ट किया वो दसते हैं फिर कि पहला टेस्ट होना है या पोस्टमार्टम होना जिस तरह भी जो इन डॉक्टर की फॉर्मैलिटी है वो मुताबिक सारा ये सिस्टम अगर हूँ फिलहाल कार्रवाई के नोडल अफसर जोड़े उन्होंने ही कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो जो अगर अपनी दसनगे जिस तरह उस तरह ही यदा पोस्टमार्टम या संस्कार वगैरह उस तरीके ने Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.